गाइज इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप अपने रियलमी फोन को फुल रेस्ट कैसे कर सकते हैं। अगर आपको अपने रियलमी फोन को फुल रेस्ट करना है तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में आपकी अपनी आसान भाषा में समझाया है कैसे आप अपने रियलमी के फोन को फुल रेस्ट कर सकते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह का वीडियो हमेशा लाता रहता हूं, और साथ में इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यह है टेक्निकल दिलजाद यूट्यूब चैनल, भरोसा आपका, जिम्मेदारी हमारी। सो गाइस, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहले आपको अपने रियलमी फोन की सेटिंग को ओपन करना होता है, और जैसे ही आप अपने रियलमी फोन की सेटिंग को ओपन कर लेते हैं तो रियलमी फोन की जो सेटिंग है ओपन होने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, और नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको Realme फोन की सेटिंग में एक फीचर ढूंढना है, जिस फीचर का नाम है एडिशनल सेटिंग। आप यहां पर देख सकते हैं एडिशनल सेटिंग का जो फीचर है यहां पर शो हो रहा है। आपको यहां पर एडिशनल सेटिंग पर एक बार टच करना है, और एडिशनल सेटिंग पर टच करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर आप नीचे देख सकते हैं बैकअप एंड रेस्ट का फीचर आपके सामने आ चुका है। जैसे ही आप यहां पर बैकअप एंड रेस्ट पर टच करेंगे तो आपके सामने अपने Realme फोन को रेस्ट करने का फीचर आ जाएगा। लेकिन अगर आप एडिशनल सेटिंग के द्वारा अपने Realme फोन को रेस्ट नहीं करना चाहते तो इसका मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूं आपको क्या करना है। आपको अपने Realme फोन की सेटिंग को ओपन करने के बाद सर्च करना है रेस्ट। जैसे ही आप यहां पर रेस्ट सर्च करेंगे तो आपके सामने अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे कि रेस्ट डिवाइस आईडी, रेस्ट सिस्टम सेटिंग ओनली, बैकअप एंड रेस्ट, और सबसे नीचे आप यहां पर फीचर देख सकते हैं इरोज ओल्ड डेटा फैक्ट्री रेस्ट। आप यहां पर इरोज ओल्ड डेटा फैक्ट्री रेस्ट पर टच करेंगे, अब आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर आपको इरेज ओल्ड डेटा पर टच करना है, और इरेज ओल्ड डेटा पर टच करने के बाद आपके सामने फाइनली ये पेज आ जाएगा। अब यहां पर आपको अपना पैटर्न ड्रॉ करना है। अगर आपने पिन लॉक लगाया है तो आपको यहां पर अपना पिन डालना है, या फिर अगर आपने पैटर्न लॉक लगाया है तो आपको यहां पर अपना पैटर्न डालना है। और जैसे ही आप अपना पैटर्न ड्रॉ करेंगे या फिर अपना पिन डालेंगे तो आपका फोन रेस्ट हो जाएगा। कुछ समय के लिए आपका फोन स्विच ऑफ होगा, और दोबारा स्विच ऑन होने में इसमें टाइम लग सकता है, और आपको इसमें सेटअप भी फिर से करना पड़ेगा, फिर से आपको अपना आईडी वगैरह इसमें डालना होता है। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से अपने Realme फोन को रेस्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव, क्वेश्चन, क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपकी हेल्प करने में मुझे दिल से खुशी होगी, और मैं मिलता हूं आपसे अगली इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और हमारा यह वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।